और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। आज का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन माय प्रीवियस वीडियो। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सीड। फाइन, एज वी नो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। सो what is the anatomy of the seed, what is the morphology of the seed, criteria kya hai, kaise seeds ke different parts ko classify kiya gaya hai aur unke proper functions kya hai. Okay, monocot seed, dicot seed, some of the technical terms like polyembryony, apomixis, zenia, metazenia, fine, parthenocarpy and parthenogenesis. We discuss about all of these. And this is almost about the end of the chapter. So let's start with seed. So seed. तो सबसे पहले हम seed को define करेंगे कि seed क्या है। तो seed क्या है? Seed is a integumented, mature, mega स्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मैच्योर मेगा स्पोरेंजियम एंड मॉर्फोलॉजिकली सीड क्या है? सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। And as we know that after the fertilization, ovule is converted into seed and ovary is converted into fruit. So fruit kya ho jayega? Fruit is a ripened ovary. Now I am going to classify the seed. Seed ko hum kya karenge? Ab classify karte hain different parts mein. To wo criteria kya hai? So seed can be divided into the three clear cut parts. One, two, and this one is the three. ओके, तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सीड कोट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो एंड लास्ट वन इज एंडोस्पर्म। सीड कोट की अगर हम बात करें तो सीड कोट क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, सो सीड कोट क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। एंड दिस सीड कोट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, टेस्टा एंड टेग्मेन। तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं इसे, या कवरिंग कह सकते हैं। इसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। तो इस लेयर में जो आउटर पार्ट है कैसा है? आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव। ओके, तो इस लेयर के भी दो पार्ट है। टेस्टा क्या है? टेस्टा बाहर वाला पार्ट है, आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव पार्ट। और ये कैसा है? जो टेग्मेन है, थिन पेपरी। कैसा है? थिन पेपरी पार्ट है। तो ये कंपैरेटिवली कैसा होगा? पतला होगा, थोड़ा सा पेपरी होगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एम्ब्रियो की तरफ। ओके, सो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक्चुअल में क्या है? एम्ब्रियो इज अ प्लांट इनक्लोज्ड इन सीड। सो एम्ब्रियो क्या है? यंग प्लांट enclosed
इन सीड। सो एम्ब्रियो इज अ यंग प्लांट इनक्लोज्ड इन सीड। और इसको भी हम फर्दर क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो दो पार्ट्स हमारे क्या होंगे, पहला होगा टाइगेलम और दूसरा होगा कॉटिलेडन। टाइगेलम, नेक्स्ट इज कॉटिलेडन। सो टाइगेलम क्या है, टाइगेलम इज द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। ये क्या है, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, फाइन, एम्ब्रियो का मेन एक्सिस है ये। कॉटिलेडन क्या है, दीज आर फूड लेडन टिश्यूज। ओके, ये फूड लेडन टिश्यूज है, और हम ये क्या कह सकते हैं, लीव्स ऑफ एम्ब्रियोनिक फॉर्म, यानी कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में क्या है, लीव्स है, मींस लीव्स इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म, लीव्स इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म। और इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है इनके पास, और ये क्या होती है, लीव्स होती है, किसमें, एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स में। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द एंडोस्पर्म। सो एज वी डिस्कस इन अ डिटेल्ड अबाउट द एंडोस्पर्म, इट इज अ ट्रिप्लॉइड फूड न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। ओके, सो नाउ इन द लास्ट एंडोस्पर्म, सो एज वी नो एंडोस्पर्म इज अ 3N, 3N मतलब ट्रिप्लॉइड। कैसा हो जाएगा ये ट्रिप्लॉइड है, 3N से बनता है, ट्रिप्लॉइड फूड लेडेड टिश्यू कह सकते हैं, या आप फूड न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कह सकते हैं। ओके, एंडोस्पर्म के बिहाफ पे हम सीड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और दूसरा आता है हमारा एल्ब्यूमिनस सीड। तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का एक कॉमन नाम और भी है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और जो दूसरी कैटेगरी है एल्ब्यूमिनस सीड, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। मींस टू से व्हेन जाइगोट इज डेवलपिंग, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, तो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो पहले केस की हम बात करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस की। एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसे मैं नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह रहा हूं, उस केस में क्या होगा कि जब कोई जायगोट डेवलप होगा, तो उसके कंप्लीट डेवलपमेंट तक सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाएगा, फाइन। फिर वो न्यूट्रिशन कहां से लेगा, कॉटिलेडन से लेगा, क्योंकि कॉटिलेडन भी कैसे, न्यूट्रिटिव टिश्यूज है, जिन्हें हम बोलते हैं लीव्स इन एम्ब्रियोनिक फॉर्म। सो दूसरा केस आता है एल्ब्यूमिनस सीड, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिनमें कंप्लीट डेवलपमेंट तक, या जाइगोट कंप्लीटली जब तक ग्रो नहीं हो जाता तब तक कंज्यूम नहीं होता पूरी तरह से एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन लेगा वो, लेकिन एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, फाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, फाइन। तो एंडोस्पर्म के बिहाफ पे सीड को दो कैटेगरी में मैं कैटेगराइज करता हूं, पहला है एल्ब्यूमिनस और दूसरा है एक्स एल्ब्यूमिनस, फाइन, एक्स एल्ब्यूमिनस मींस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, फाइन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन एंडोस्पर्म is eaten up by growing embryo, when endosperm is eaten up by growing embryo, तो यह endosperm कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, albuminous seed। example की बात करें तो जैसे इसमें हम लिख सकते हैं p gram एंड ग्राउंड नट भी लिख सकते हैं, ग्राउंड नट। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल,
और ये एंडोस्पर्म का ये जो टॉपिक है इसको हम एक और हेडलाइन के अंदर कवर कर सकते हैं, फेट ऑफ एंडोस्पर्म। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा एल्ब्यूमिनस सील, एल्ब्यूमिनस, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सील। एंडोस्पर्मिक सील का मतलब है कि व्हेन एंडोस्पर्म इज नॉट ईटन अप बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, व्हेन एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली ईटन अप बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म होगा, इसमें क्या होगा, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। फाइन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं वो मोनोपॉड के, मोस्ट ऑफ द बट नॉट ऑल। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम मेज, वीट एंड राइस, ये सब कैसे हैं, मोनोपॉड हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कोकोनट, कोकोनट में आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, जिसे जनरली हम मॉर्निंग वॉकर्स भी पीते हैं और लोग उसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे भी पीते हैं, काफी न्यूट्रिशियस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकोनट का पानी या नारियल पानी। तो वो क्या है, वो जो लिक्विड है वो क्या है, वो एंडोस्पर्म में, किस फॉर्म में है, लिक्विड एंडोस्पर्म में। फाइन, नेक्स्ट, अब मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम किसका, सीड का। फाइन, और सीड का डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपॉड एंड डायकॉट। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मोनोपॉड सीड, एंड ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 37 पे। तो ये एक मोनोपॉड सीड का डायग्राम है, एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग्स। सो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी लेबलिंग है, जैसे एलुरॉन लेयर, एंडोस्पर्म, कॉलियोपेटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉलियोराइजा, स्कूटेलम एंड पेरिकार्प। फाइन, सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज। तो हम यहां से शुरू करते हैं कॉलियोराइजा। तो कॉलियोराइजा देखिए क्या है, ये अंदर रेडिकल है और रेडिकल के बाहर कॉलियोराइजा है, मींस इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल। तो ये किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, रेडिकल की, किस में, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में। फाइन, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल। फाइन, नेक्स्ट यहां पे क्या है, रेडिकल है, और रेडिकल जानते हैं हम कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, एंड रेडिकल अल्टीमेटली गिव्स राइज टू रूट। सो रूट, सो रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। एंड ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, और आपने इसको हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी ऑब्जर्व किया होगा। जब हम सीड्स को क्या करते हैं, पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, आफ्टर द वन और द टू डे दे स्टार्ट टू जर्मिनेट, हम देखते हैं एक छोटी सी व्हाइट कलर की ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है वहां से, तो वो क्या होती है, दैट इज रेडिकल। और उसी रेडिकल से क्या बनता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। फाइन, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा कॉलियोपिटाइल। सो जैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल कॉलियोराइजा है, ऑन द सेम मैनर कॉलियोपिटाइल क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, किसकी है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लूम्यूल की। फाइन, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट, शूट मींस स्टेम। सो पहले रेडिकल निकलता है, फिर प्लूम्यूल का ओरिजन होता है, और फिर प्लूम्यूल से शूट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है, एज वी ऑलरेडी ओन, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसके बारे में हम पहले ही काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा एलुरॉन लेयर। तो एलुरॉन लेयर का काम क्या है, ये देखिए आप ये लेबलिंग देख सकते हैं, ये एलुरॉन लेयर के, और एलुरॉन लेयर के बाहर पेरिकार्प है।
तो इस एलोरॉन लेयर में क्या है, इट इज अ प्रोटीन स्टोरिंग लेयर। कैसी लेयर है ये? प्रोटीन का स्टोरेज करने वाली, प्रोटीन स्टोरेज। तो इस पे आप एक क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, इन मोनोकॉट प्लांट वेयर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। तो जवाब है एलोरॉन लेयर। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिकार्प। तो ये कैसी है? आउटर प्रोटेक्टिव, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अंडर द सीड कोट, दो पार्ट बताए थे, टेस्टा एंड टेगमेंट। तो उसमें जो टेगमेंट वाला पार्ट है इनर प्रोटी होता है और जो टेस्टा होता है वो बाहर होता है। तो टेस्टा के बाहर की तरफ पेरिकार्प होती है पतली सी। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा स्कूटेलम। सो ये कैसा है? इट इज अ शील्ड शेप। कैसा है? शील्ड शेप स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड विद एंडोस्पर्म के साथ कैसा रहता है? कनेक्टेड रहता है। एक छोटा सा हेडलाइन सीड डॉर्मेंसी भी दे रखा है। अगर हम सीड डॉर्मेंसी की बात करते हैं कि व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, तो मैं इसको यही मेंशन कर देता हूं, सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम सारे सीड्स को क्या करते हैं, पानी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं या पानी में भिगोते हैं, तो वो क्या होता है कि आफ्टर द फ्यू डेज स्लोली स्लोली दे स्टार्ट टू जर्मिनेट, वो धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगते हैं। बट सम ऑफ देम सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। तो हम कह सकते हैं दो सीड्स, दोज हु हैव बीन लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, ऐसे सीड्स जिनके अंदर जर्मिनेशन की एबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई फिजिकल रीजन हो सकता है, केमिकल रीजन हो सकता है और एनी अदर रीजन। व्हेन अ सीड लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, हाउ कैन वी चेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो सीड की डॉर्मेंसी को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रा जोलियम टेस्ट। क्या होता है? टेट्रा जोलियम टेस्ट फॉर चेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। दे विल बी चेक विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट आइदर द सीड इज वायबल और नॉन वायबल। एंड द केमिकल इज यूज फॉर द सीड इज, मैं उसका भी आपको नाम बता देता हूं, फाइन। तो केमिकल का नाम है ट्राई ट्राई फिनाइल टेट्राजोरियम क्लोराइड, ट्राई फिनाइल टेट्राजोरियम क्लोराइड। ये केमिकल है जो यूज किया जाता है इसमें, किसमें? इन द टेस्ट। ओके, तो इस टेस्ट में जो केमिकल यूज किया जाता है वो क्या है? ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज किया जाता है फॉर चेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियम। ओके, फ्रूट। सो द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रूट? तो फ्रूट को हम कह सकते हैं, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट बिकॉज in post fertilization changes ovary is converted into fruit and ovule is converted into seed. Aur fruits kaise honge? Ye do type ke honge, fine, true fruits and false fruits, true and false. Okay, so true fruits kaise honge, false fruits kaise honge? When fruit is developed from ovary, when fruit is developed from ovary, इसे हम क्या कहेंगे? True fruit. Fine. False fruit किसे कहेंगे? When fruit is developed, when
fruit is developed from any other floral part. तो ओवरी के अलावा किसी और फ्लोरल पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, पहला है एप्पल और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। एप्पल, तो एप्पल कैसा है, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट और एप्पल का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, ओवरी से नहीं हो रहा है क्योंकि किसी और फ्लोरल पार्ट से हो रहा है। तो एप्पल इज डेवलप फ्रॉम थैलामस, थैलामस इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी में देखिए एक बहुत खास और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, स्ट्रॉबेरी इज द फ्रूट वेयर द सीड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द फ्रूट, जहां पे सीड्स कैसे हैं, फ्रूट के बाहर है। और स्टडी ऑफ द फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस विदाउट, या प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। प्रोडक्शन, इसको हम लिख देते हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, पॉली पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल है जैसे बनाना, इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं, हाईलाइट हो जाएगा ये, इट इज बनाना, पाइनएप्पल, ओके, बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा एंड पपाया। फाइन, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट एक और टेक्निकल टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस का मतलब देखिए क्या होता है, तो एम्फीमिक्सिस का मतलब साफ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइन, ओके, तो ये कैसा है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करेगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, जायगोट। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है लेकिन डिफरेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। फाइन, एपोमिक्सिस क्या है, तो एपोमिक्सिस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, जहां पे क्या होगा, मियोसिस एंड सिंगैमी डू नॉट टेक्स प्लेस। फाइन, एंड द फिनोमिना वॉज रिपोर्टेड बाई विंकलर इन 1908। किसने रिपोर्ट किया था, विंकलर ने, विंकलर वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने
1908 में बताया था कि एपोमिक्सिस का कंसेप्ट क्या है। फाइन, अब आता है हमारा अगला कंसेप्ट पॉली एम्ब्रियोनी। फाइन, पार्थेनोकार्पी, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस एंड इन द लास्ट अब आता है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, फाइन, देखते हैं हम पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका प्रोनंसिएशन है उस प्रोनंसिएशन से हमें क्लियर कर रहा, पॉली का मतलब बहुत सारे और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियोज। व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन एन ओव्यूल, जब एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। मोर देन वन ओव्यूल, ओके, मोर देन वन एम्ब्रियो, सॉरी मोर देन वन एम्ब्रियो, मैंने ओव्यूल लिख दिया था गलती से, तो मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म। तो यानी कि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक में क्या हो रहा है, हमारा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और मोर देन वन एम्ब्रियो इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी एंड द फिनोमेना वाज रिपोर्टेड बाय ल्यूवेनहॉक। किसने बताया था ये सबसे पहले, ल्यूवेनहॉक, व्हेन 1719 में, ओके। अब पॉलीएम्ब्रियोनी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होगी कि जब एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सेक। जब एक ही एम्ब्रियो सेक में बहुत सारे किसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सिट्रस, सिट्रस, ओके। नेक्स्ट आता है, तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसको फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। तो हम देखेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। देखिए, तो यहां पे हमने क्या कहा कि एक एम्ब्रियो सेक में मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म, एक यहां लिख देते हैं, ओके, तो मोर देन वन एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सेक, तो एक एम्ब्रियो सेक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना क्या हो गया, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया। और जब एक ओव्यूल के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो सेक आर फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल, ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ एम्ब्रियो। एग्जाम्पल फ्रगेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रगेरिया, ओके। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, अगर किसी एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाए और हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। और यहां पर हमने लिखा था कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सेक, यहां पर हमने लिखा था कि एक ही एम्ब्रियो सेक में बहुत सारे एम्ब्रियोस बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा कि ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक बने और हर एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल है फ्रगेरिया। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर
and got the important information regarding to the all these topics and ultimately in the last. तो जिस तरह से आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसी तरह से आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मैं और भी इससे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा. एंड नेक्स्ट कुछ वीडियोस में जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द चैप्टर एंड टॉपिक्स, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, याद करने की प्रॉब्लम है, कैसे ट्रिक्स बनाने हैं, या क्या क्राइटेरिया है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये भी मैं आपको सब बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में. एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से वंस अगेन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you very much.